तो हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे पार्ट फोर। पार्ट फोर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारा पहला फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन वो होता है जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर हो। जैसे रियल डोमेन भी रियल, कोडोमेन भी क्या है हमारा रियल। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट वेराइटी इंपॉर्टेंट है सिग्नम फंक्शन, SIGNUM सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन बिल्कुल ये रूल है आपको याद रखना है। इसमें सिग्नम फंक्शन कब डिफाइन होता है, इसकी वैल्यू -1 होती है अगर एस की वैल्यू 0 से कम। इसकी वैल्यू 0 होती है जब हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या हो 0। तीन वैल्यूज पे सिग्नम फंक्शन डिफाइन होता है, -1 इफ एक्स लेस देन 0 है तो सीधे -1, 0 है तो 0, और अगर x ग्रेटर देन हमारा 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा सीधे हमारा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1 नहीं सॉरी ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा 1। तो अगर 0 से ज्यादा है माने पॉजिटिव है तो वैल्यू केवल 1 होगी, और नेगेटिव है तो वैल्यू -1 होगी, और 0 है तो 0। इसका ग्राफ ऐसे होता है 0 अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा ऐसे हो जाएगा, और लेस देन 0 है तो -1 हो जाएगा। तो जो रेंज है रेंज किस में होता है y एक्सिस में, तो रेंज ऑफ द सिग्नम फंक्शन 1, -1, 0। और इसकी जो डोमेन है वो क्या है पूरा रियल, इधर भी कहीं भी जा सकता है और इधर भी कहीं जा सकता है। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड द सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर। सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा -1 इफ एक्स स्क्वायर लेस देन 0। एक्स स्क्वायर क्या है लेस देन 0 है तो क्या होगी वैल्यू -1, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 अगर तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 0 क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? नो। तो -1 माने नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। हमारा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर लेस देन 0 वाली कंडीशन हमारी फुलफिल होगी ही नहीं। फिर हमारा क्या बचा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 जब 0 या फिर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है तो 1, तो ये कंडीशन है एक्स स्क्वायर 0 भी नहीं हो सकता, और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्या हो जाएगी 1। तो हमारा जो डोमेन है इसका क्या आएगा एक्स बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, क्या हो जाएगा आर पॉजिटिव, सारे रियल नंबर पॉजिटिव। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब इसके बारे में हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वाई इज इक्वल टू, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक सिंबल होता है स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है अगर एक्स की वैल्यू हमारी 0 और 1 के बीच में तो हमेशा लोअर वाली वैल्यू लेते हैं। 1 और 2 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 लेंगे, 2 और 3 के बीच में है तो 2 लेंगे, 3 और 4 के बीच में है तो क्या लेंगे 3। तो हमारा क्या अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो जैसे ये 0 पे पॉइंट आएगा और 1 पे क्या आएगा बबल, माने 0 से 1 के बीच में 0 कंसीडर किया जाएगा 1 कंसीडर नहीं किया जाएगा। 1 और 2 के बीच में 1 पे क्या आएगा पॉइंट और 2 पे क्या आएगा बबल, तो 1 कंसीडर किया जाएगा 2 कंसीडर नहीं किया जाएगा। 3 और 4 के बीच में 3 पे पॉइंट आएगा 4 पे बबल, तो 3 कंसीडर किया जाएगा। 2 और 3 के बीच में 2 पे आएगा पॉइंट 3 पे बबल, तो 2 कंसीडर किया जाएगा 3 नहीं। ऐसे ही 3 और 4 के बीच में 3 पे पॉइंट 4 पे बबल, माने 3 कंसीडर किया जाएगा 4 नहीं। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 तो 0 आएगा आंसर। ऐसे इसमें 1, 2, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, तो ये तो हमेशा ही होना है, ये बिल्कुल ट्रू कंडीशन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के बराबर कब होगा जब एक्स की वैल्यू क्या है इंटीजर, जैसे हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ब्रैकेट में कुल 5 है तो 5 इंटीजर है, तो यहाँ पर एक्स 5 है और ये भी 5 है तो वैल्यू सेम रहेगी। और जैसे हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ब्रैकेट में क्या है 2.7, तो इसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाने के बाद क्या आएगा 2। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी 2 वो हमेशा लेस देन होगा 2.7, यहाँ पे एक्स लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन एक्स, क्योंकि एक्स हमारा एक्चुअल में क्या था 2.7, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे 2.7 का तो क्या आ जाएगा 2। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो लेस देन क्या है एक्स, ये कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन का नेक्स्ट वेराइटी पढ़ेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन, इस पे हमारा क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ फंक्शन में इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन वो होता है जब अगर f ऑफ -x पुट करो, जैसे जो fx दिया है उसको माइनस सिंबल के साथ अगर -x लो और fx आ जाए तो फंक्शन क्या होता है इवन, और अगर f ऑफ -x माइनस ऑफ fx आ जाए तो हमारा वो फंक्शन क्या होता है ऑड। जैसे कि हमने ले लिया cos थीटा, fx हमारा cos x
तो हम अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो क्या जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स, और हमें पता है कॉस ऑफ माइनस एक्स अगेन क्या होता है, कॉस एक्स। तो हमने देखो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ एक्स। तो हमारा ये क्या है, इवन फंक्शन। एक और बात याद रखना है, इवन फंक्शन ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, इवन फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, इधर और इधर क्या होगा, बराबर होगा। ऑड फंक्शन जो होता है हमारा, जैसे साइन एक्स, क्वेश्चन है साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स। हद हो गया यार चूतिया। अब यहां पे क्या है, एफ एक्स अगर मान लो साइन एक्स है तो एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स लगाया अगर हमने तो क्या आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये हमारा क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो साइन फंक्शन है उसका ग्राफ ऐसा होता है, तो साइन फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट। आप लोग एक बात बता नहीं रखी है, जो फंक्शन है, फंक्शन का भी टेस्ट होता है, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है फंक्शन का, वर्टिकल लाइन टेस्ट। उस वर्टिकल लाइन टेस्ट में ये होता है कि अगर कोई भी ग्राफ दो पॉइंट पे कटता है तो फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर कोई भी ग्राफ हमारा अगर एक ही लाइन पे है, इफ कट द ग्राफ ओनली एट वन पॉइंट देन इट इज अ फंक्शन। लेकिन अगर कोई भी ग्राफ, जैसे पैराबोला का ग्राफ है, दो पॉइंट पे कटता है तो फंक्शन नहीं है, और अगर ये सर्किल है तो सर्किल दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ये लाइन है ये फंक्शन है। आप लोग देखेंगे इवन ऑड फंक्शन पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, पहला हमारा क्वेश्चन है जैसे इवन ऑड फंक्शन का है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग, क्वेश्चन एक लेते हैं ढंग का लेते हैं, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें बताना है कि बताओ ये हमारा मान लो ये पता लगाओ ये कि इवन फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वन प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स। तुम्हारा क्या आ जाएगा, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस एक्स। अब हम इसे रेशनलाइज कर दो तो क्या हो जाएगा, क्या कर दें इसे, वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट। तो क्या हो गया, ये ए माइनस बी ए प्लस बी। तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये ए माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये किस में है, ब्रैकेट में, स्क्वायर रूट में। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा क्या बचा, लॉग ऐसे हम बोल सकते हैं वन अपॉन क्या है, एफ एक्स है। ये क्या है हमारा, लॉग वन अपॉन एफ एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन है पूरा। हम चाहे तो ये बोल सकते हैं कि वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसकी पावर। अब इसे हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस वन। हमें पता है अगर लॉग एक्स स्क्वायर लिखा है जैसे हम टू लॉग एक्स लिख सकते हैं, तो ऐसे ही अगर हम इस पावर को आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। याद, तो ये क्या है हमारा टोटल, ये क्या है, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो हमने क्या प्रूव किया, एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो हमारा ये फंक्शन क्या है, हमारा ये फंक्शन है हमारा ऑड फंक्शन, ये क्या है हमारा ऑड फंक्शन। कुछ और एग्जांपल ऐसे ही हम लोग करेंगे, देखते हैं। अब हम लोग इसको दो क्वेश्चन और करेंगे एफ एक्स इक्वल टू, मान लो क्वेश्चन ये बताना है कि ये ऑड है कि इवन फंक्शन, दो क्वेश्चन दिया हमें, क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू। हम इसको देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या पुट करें, एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करें तो क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स माइनस वन। अगर हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स ही आ जाती है तो हमारा फंक्शन क्या, इवन, और माइनस एफ एक्स आती है तो क्या, तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑफ माइनस एक्स प्लस वन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए एक्स माइनस वन अपॉन वन अपॉन ए एक्स प्लस वन। तो क्या हो जाएगा, वन माइनस ए एक्स अपॉन ऑफ ए एक्स अपॉन वन प्लस ए एक्स अपॉन ऑफ ए एक्स, ये और ये कैंसिल। तो क्या बचेगा, वन माइनस ए की पावर एक्स अपॉन
वन प्लस ए की पावर एक्स, तो वन माइनस ए की पावर एक्स और ये हुई। तो अगर हम चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स माइनस वन अब ए की पावर एक्स प्लस वन, बस यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा माइनस साइन। तो हमने देखा कि ये क्या है, हमने ये एफ ऑफ माइनस एक्स किया तो हमारा क्या आ गया माइनस ऑफ एफ एक्स, क्योंकि माइनस ऑफ एफ एक्स ही तो है ये पूरा, ये क्या है एफ एक्स। तो हमने देखा ये फंक्शन हमारा क्या है ऑड, ये फंक्शन क्या है ऑड। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन और दिया है। इस क्वेश्चन में है जैसे ये क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करो तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। देखो जो चीज यहां थी वो यहां आ गई, जो चीज यहां थी वो यहां आ गई, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई एफ एक्स। तो ये हमारा फंक्शन क्या है हमारा इवन। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, और ये क्वेश्चन है और इफ इट इज इवन फंक्शन फाइंड के, तो क्या करोगे एफ जो एफ एक्स है एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू माइनस एक्स प्लस सेवन इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस सेवन। तो हमारा के की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे सॉल्व कर लेना। दिस इज ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट अब हम लोग कुछ और पढ़ेंगे।